हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय में पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि या शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथि। और उसमें हमने पढ़ा था कि उसके दो हिस्से होते हैं, पहला भाग बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें से चार हार्मोन निकलते हैं, लिंग हार्मोन, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इनमें से जो लिंग हार्मोन है, ये दोनों प्रकार के, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के हार्मोन्स निकालता है, या दोनों प्रकार के लिंग हार्मोन बनते हैं, जिसमें मेल हार्मोन्स को हम एंड्रोजेंस कहते हैं और फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजेंस कहते हैं। यदि बाल्यावस्था में ये लिंग हार्मोन विपरीत सेक्स में, जैसे नर में यदि फीमेल हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो उसमें फीमेल के लक्षण पैदा होने लगते हैं, और यदि बालिका में या फीमेल में बचपने में ही ये नर हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकले तो उसमें नर के लक्षण साथ साथ बनने लगे। यदि वयस्क अवस्था में किसी स्त्री में नर हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो उससे एक बीमारी या अनियमितता शरीर में उत्पन्न होती है, जिसको हम एड्रिनल वेरिलिज्म कहते हैं, जिसमें कि दाढ़ी मूछ निकलते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है और बांझपन आ जाता है। यदि किसी बालिका में ये फीमेल हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकले तो वो अल्प समय में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाती है और बच्चे को जन्म दे सकती है। उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का तुरंत विकास होने लगता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसमें शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, जो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के अवशोषण का नियंत्रण और नियमन करता है, कॉर्टिजोन जो कि प्रोटीन उपापचय से संबंधित है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय से संबंधित है। दूसरा जो हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा, वो मेड्यूला का हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा, और इससे दो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं। एक को कहते हैं एड्रिनेलिन, और दूसरे को कहते हैं नॉर एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है, एपिनेफ्रिन, और इसका दूसरा नाम है नॉर या नॉन एपिनेफ्रिन। इसमें जो पहला है एड्रिनेलिन, ये संकटकालीन हार्मोन भी कहलाता है। इसका प्रमुख काम है कि शरीर के बाह्य भाग में और आंतरिक भाग में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी रक्त नलिकाएं हैं, उसकी दीवारों को वो संकुचित करता है, और संकुचित करने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ तेज़ी से शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट यानी श्वास दर बढ़ जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ATPs का बहुत जल्दी जल्दी उपयोग होने लगता है, ग्लाइकोजन बहुत तीव्रता से ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, आँख की जो पुतलियाँ हैं वो फैल जाती है, संकुचित हो जाती है, भय के मारे फैल जाती है पुतलियाँ,
और शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये सारी स्थितियां भय की स्थितियां कहलाती हैं। मतलब यदि हमारे सामने यदि कोई भयावह स्थिति आ जाए तो ये सारे परिवर्तन हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हम संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। और उस समय इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा शरीर में निकलती है ताकि हम अपना बचाव कर सके भाग करके या किसी अन्य प्रकार से। दूसरा है नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि जो रक्त नलिकाएं हैं उसको सामान्य स्थिति में लाता है, और जो स्थितियां भयावह भय के कारण उत्पन्न हुई होती है वो वापस सामान्य हो जाती है, जैसे हमारी रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर सामान्य हो जाती है, हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है, पुतलियां फिर से सामान्य हो जाती है, प्यूपिल जिसको हम कहते हैं, और शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे मंद होने लगता है या सामान्य होने लगता है। तो असामान्य स्थिति से वापस लाने का काम नॉरएड्रेनालिन कहते हैं। तो ये दो प्रमुख हार्मोन्स मेड्यूला के क्षेत्र से निकलते हैं और चार प्रमुख हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स के क्षेत्र से निकलते हैं। अगला जो प्रमुख ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ये मास्टर ग्रंथि इसलिए कहलाता है पीयूष ग्रंथि क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन्स दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी प्रेरित करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन्स सिक्रीट करे या स्रावित करे। पीयूष ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहलाती है, ये हमारी मस्तिष्क में मटर के दाने के आकार के पाई जाती है और इसका जो विकास है वो मस्तिष्क के ही हाइपोथैलेमस भाग से होता है। हमारे सिर की खोपड़ी की एक हड्डी होती है जिसको स्फीनॉइड बोन कहते हैं। स्फीनॉइड बोन में एक गड्ढा होता है, ये स्फीनॉइड बोन है। और इस बोन में एक गड्ढा जो कि कहलाता है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, इसमें ये ग्रंथि स्थित रहती है। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं कार्य की दृष्टि से, हार्मोन निर्माण की दृष्टि से। पीयूष ग्रंथि वास्तव में ये मस्तिष्क से एक छोटी सी डंडी से जुड़ी रहती है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, और इनफंडिबुलम के आगे का जो हिस्सा होता है वो वास्तव में हाइपोफाइसिस कहलाता है, और इन दोनों को हम मिश्रित रूप से या एक साथ पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो इस पीयूष ग्रंथि के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला भाग अग्रपाली, दूसरा भाग मध्यपाली और तीसरा भाग कहलाता है पश्चपाली। इसको कहते हैं एडिनो हाइपो, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों भाग जो है एक साथ कहलाते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो लास्ट भाग रहता है ये पश्चपाली, उसको कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इसका संचालन बहुत कुछ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से होता है एंड हमारे ब्रेन के या मस्तिष्क के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से होता है। तो अग्रपाली और मध्यपाली इनके भी अलग नाम है, जिससे इसको कहा जाता है पार्स डिस्टेलिस। मध्यपाली को कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया, और इन दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और शेष भाग कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो तीनों ही भाग से अग्रपाली, मध्यपाली या पश्चपाली से, यानी
पार्स डिस्टैलिस से, पार्स इंटरमीडिया से और पार्स नर्वोसा, इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, क्योंकि ज्यादातर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये इस भाग के सिक्रेशन को नियंत्रित करती हैं। तो पहली जो अग्रपाली है उस अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अभी तक लगभग 11 हार्मोन्स की खोज की जा चुकी है, जिसमें 7 ही ज्यादा उनके बारे में जानकारी है, और पर यह माना जाता है कि इससे लगभग कम और ज्यादा मात्रा में कुछ लगभग 11 हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं अग्रपाली से, अग्रपाली के हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या शॉर्ट में GH कहलाता है। इसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा है जनन प्रेरक हार्मोन, इसको कहते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, जिसको कहा जाता है FSH, और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको कहते हैं LH, शॉर्ट में कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जनन प्रेरक हार्मोन यानी गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन GH या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। तीसरे जो प्रमुख हार्मोन अग्रपाली से निकलता है वो है एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। चौथा जो प्रमुख हार्मोन निकलता है वो है थायराइड प्रेरक हार्मोन, इसको TSH भी कहते हैं और TTH भी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन या थायराइड थायरोट्रॉपिक हार्मोन। तो इसके दो नाम यदि शॉर्ट में लिखे जाए तो TTH या TSH होता है। इसी प्रकार से लैक्टोजेनिक हार्मोन या जिसको प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन, डायबिटोजेनिक हार्मोन, और सातवां जो है वह है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन।
इसको शॉर्ट में कहते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी त्वचा में पाई जाने वाली मेलेनिन कणिकाओं की संख्या को और उनके फैलने और इकट्ठा होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स। तो मुख्य अग्रपाली के जो प्रमुख 7 हार्मोन्स हैं, उसमें सबसे पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये शरीर में वृद्धि का नियंत्रण और नियमन करता है। यदि बाल्यावस्था में, बचपन में ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकले तो बच्चे का विकास यदि असामान्य रूप से हो जाता है, शरीर भीमकाय हो जाता है, बेडोल हो जाता है, और इस स्थिति को कहते हैं भीमकायता या जायजेंटिज्म, जिससे कि शरीर एकदम बेडोल दिखाई देता है। और यदि वयस्क अवस्था में ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकले तो उसका सबसे ज़्यादा असर चेहरे पर दिखाई देता है। चेहरे की जो हड्डियाँ हैं वो एकदम बढ़ जाती हैं और चेहरा एकदम कुरूप दिखाई देता है, जिस स्थिति को हम कहते हैं एक्रोमिगेली, और विशेष करके पुरुषों में ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। तो वृद्धि हार्मोन की अनियमितता से जो अधिकता से होने वाली रोग है वह है भीमकायता और एक्रोमिगेली। यदि ये हार्मोन वयस्क अवस्था में ज़्यादा निकले तो कभी कभी व्यक्ति में कुबड़ भी निकल जाता है, और इस स्थिति को कहते हैं काइफोसिस। काइफोसिस वास्तव में पीठ में वसा के बहुत अधिक जमाव के कारण होता है। दूसरा, यदि यह हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में निकले बच्चे में तो बच्चा बौना रह जाता है, और यदि व्यक्ति में ये किसी वयस्क व्यक्ति में ये कम मात्रा में निकले तो साइमंड नामक एक डिजीज हो जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी उसमें बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से वृद्धि हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानकारी, एक नियंत्रित मात्रा ग्रोथ में हड्डियों की, लंबी हड्डियों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक हार्मोन वृद्धि हार्मोन। दूसरा है जनक प्रेरक हार्मोन GTH, जिसको हम शॉर्ट में गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन को GTH कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो पहला प्रकार है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, ये अंडाशय में फॉलिकल्स के बनने को और उसमें अंडाणुओं के विकास को प्रेरित करता है, और इसी प्रकार से वृषण में, जो कि मेल में जननांग है जिसमें कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसके विकास को प्रेरित करता है, जिससे कि उसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो सके और उनका लिब्रेशन भी हो सके, उनका उनका त्यागने की प्रक्रिया भी कोशिकाओं के अंदर सेमिनीफेरस नलिकाओं में आसानी से हो सके। दूसरे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो कि जनदों को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, ये वास्तव में निकल रहा है पीयूष ग्रंथि से, लेकिन ये जाकर जनद में उनके हार्मोन्स को निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोनों के निकलने को प्रेरित करता है, और साथ में अंडाणुओं के त्याग के, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के लिए भी ये हार्मोन उत्तरदायी है। तीसरे प्रकार का जो हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जैसे कि नाम से लग रहा है एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रेरित करने वाला हार्मोन। ये हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है, 4 हार्मोन, लिंग हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिजोन हार्मोन, यदि ये हार्मोन कम मात्रा में निकले तो एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स भी कम मात्रा में निकलेंगे, और यदि ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकले तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स भी ज़्यादा मात्रा में निकले। तो इसके लक्षण वही दिखाई देंगे जो एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोनों की कमी और अधिकता से होते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है ACTH। थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड को, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन या उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन, ताकि वो अपना हार्मोन त्याग करे या अपना हार्मोन बनाए। जो 3 हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, थायरोक्सिन यानी T4, T3 और थायरोट्रॉपिक हार्मोन, थायरो
कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, यदि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले ये हार्मोन प्रेरित करने वाले हार्मोन कम मात्रा में निकले तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन भी कम मात्रा में निकलेगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन या जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, ये विशेष करके फीमेल में निकलता, तो ये मेल में भी है लेकिन अक्रिय होने के कारण इसका निकलने के बाद इसका डिजेनरेशन हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है और बाहर इसका एक्सक्रीशन हो जाता है या उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन फीमेल में ये विशेष करके गर्भावस्था के समय मेमोरी ग्लैंड्स को यानी स्तन ग्रंथियों को विकसित होने के लिए और उसमें दूध के बनने को प्रेरित करता है। यदि ये हार्मोन कम मात्रा में निकले तो मेमोरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता, और कम मात्रा में होता है यदि ग्रंथियां विकसित भी हो गई तो उसमें दूध के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला जो हार्मोन है वो है डायबिटोजेनिक हार्मोन, ये विशेष करके ग्लूकोज उपापचय से संबंधित है। ग्लूकोज के साथ साथ सूक्ष्म मात्रा में प्रोटीन और वसा का भी उपापचय करता है या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और लास्ट जो हार्मोन है वह है मेनिलोसाइट प्रेरक हार्मोन, जो हमारी क्रोमेटोफोर सेल्स रंगा कोशिकाएं होती है त्वचा में, वैसे तो मनुष्य में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है लेकिन अन्य वर्टिब्रेट्स में, अन्य कशेरुकियों में ये त्वचा की जो मिलेनिन कणिकाएं हैं उसको फैला करके त्वचा की सुरक्षा करता है। तो ये खास हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं उसकी अग्रपाली से ही निकलते हैं, इनकी कमी और अधिकता से होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, और वृद्धि हार्मोन से लेकर के साथ मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से निकलने वाले जो प्रमुख हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन, जनत प्रेरक हार्मोन जिसमें फॉलिकल प्रेरक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, थायराइड प्रेरक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है, डायबिटोजेनिक और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से निकलते हैं। और चूंकि इसमें ज़्यादातर हार्मोन प्रेरक हार्मोन्स निकलते हैं जो दूसरी ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं, इसी वजह से इस ग्रंथि का नाम मास्टर ग्रंथि पड़ा है। अब इसके जो दूसरी पालियां हैं पीयूष ग्रंथि की, मध्य पाली और पश्च पाली, उससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनका कार्य किस प्रकार का है, उनकी कमी और अधिकता से किस प्रकार के रोग होते हैं या अनियमितताएं या फंक्शनल डिजीज शरीर में उत्पन्न होते हैं। मध्य पाली से निकलने वाले हार्मोन मध्यपाली जो है वो बहुत कम विकसित होती है, और इससे जो निकलने वाला हार्मोन है वो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन ही है जो अग्रपाली से, इसके कम विकसित होने के कारण अग्रपाली से निष्कासित होता है। तीसरा जो प्रमुख हिस्सा है वो है पश्चपाली, जिसे दो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, एक है वासोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन को पिट्रेसिन भी कहते हैं दूसरा नाम, और ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन कहा जाता है, और इन सबको एक साथ पिट्यूटरीन कहा जाता है, पिट्यूटरीन।
पिट्रेसिन या वासोप्रेसिन, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH। वासोप्रेसिन वास्तव में दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका, जो कि एक यूरिनिफेरस नलिका के भाग होते हैं, यूरिनिफेरस नलिका जो कि किडनी की इकाइयां हैं, और इस इकाइयों में अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार से क्रियाएं होती हैं। ये भाग संग्राहक नलिका का है जिससे कई यूरिनिफेरस नलिकाएं आकर के जुड़ती हैं। इस नलिका को कहते हैं कलेक्टिंग डट या संग्राहक नलिका। ये हिस्सा कहलाता है DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। सामने का हिस्सा कहलाता है PCT। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका में जल के अवशोषण का नियंत्रण और नियमन करता है। इसमें सोडियम आयन्स भी शामिल होते हैं। संग्राहक नलिका में विशेष करके शरीर में यदि जल की मात्रा ज्यादा है तो वासोप्रेसिन के द्वारा वासोप्रेसिन की कम मात्रा निकलती है, जिससे कि यूरिन में ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन यदि शरीर में जल की मात्रा कम है तो वासोप्रेसिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संग्राहक नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन दोनों जगहों पर जल का अवशोषण बढ़ जाता है। इसकी दीवारें पानी के लिए बहुत ज्यादा पारगम्य हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन में जो कि यूरिनिफेरस नलिका में से होकर के गुजर रहा है उसमें से अधिक पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। इसीलिए वासोप्रेसिन को एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ADH। इसका मतलब है डाइयूरेसिस के विपरीत काम करने वाला। डाइयूरेसिस का मतलब होता है कि यदि यूरिन की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में बढ़े, यूरिन में यदि पानी की मात्रा बढ़ जाए किसी भी वजह से, जैसे चाय कॉफी आदि पीने की वजह से या वासोप्रेसिन की कमी से, तो उसको नियंत्रित करने का काम वासोप्रेसिन की ही मात्रा करती है। तो इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल और लवणों का उनकी मात्रा का नियंत्रण और नियमन किया जाता है उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में वासोप्रेसिन का बहुत अधिक महत्व है, इसको इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन भी कहते हैं। ये इसका संबंध विशेष करके गर्भाशय से है। गर्भाशय का विकास करना और अंतिम समय में प्रसव के समय यह गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, जिससे कि लेबर पेन या प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और साथ में प्रसव के बाद गर्भाशय की दीवारों को वापस अपनी स्थिति में लाने का या सामान्य करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ये दोनों मेल फीमेल दोनों में बनता है, लेकिन मेल में इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए ऑक्सीटोसिन नष्ट हो जाता है। लेकिन फीमेल में यही हार्मोन गर्भाशय को उसकी स्थिति में लाने का और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि सबसे प्रमुख ग्रंथि, जो मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है सेला टर्सिका गड्ढे में, उसके तीन पालियों में अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, इन सबको मिलाकर के लगभग 12 से 13 हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। अगली जो मुख्य ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि, वह है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो कि हृदय के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है, सामने की ओर ट्रेकिया के ऊपर, दोनों लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में ये ग्रंथि स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि
दोनों लंग्स, यहाँ पर हमारा हृदय स्थित रहता है और इसके ठीक ऊपर के हिस्से में यहाँ पर ट्रेकिया के ऊपर ही ये ग्रंथि स्थित रहती है। ये भी ढीले संयोजी ऊतकों से बनी रहती है जिसमें अमीनो एसिड्स प्रमुख रूप से होते हैं। जैसे जैसे जनदों का विकास होता जाता है ये ग्रंथि धीरे धीरे वयस्क अवस्था तक लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि, इस ग्रंथि से तीन प्रमुख हार्मोन निकलता है निकलते हैं। एक का नाम है थाइमोसिन, दूसरा है थाइमिन वन, और तीसरा है थाइमिन टू। ये तीनों हार्मोन जो है ये हमारे लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए जो प्रेरित हार्मोन है या लिम्फोसाइट को बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम इन ग्रंथि को ध्यान से देखें तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह रहते, पिंडक रहते हैं, और उन पिंडकों के चारों तरफ लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं चिपकी रहती है। इस प्रकार से ये हमारी सुरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, परंतु ये ग्रंथि जो है ये जनदों के विकास को रोकती है। यदि इस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो कभी कभी इससे उपापचयी क्रियाओं की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसका काम उपापचयी क्रियाओं में भी मदद करना, लेकिन प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट के निर्माण में मदद करना। वयस्क अवस्था तक की ग्रंथि धीरे धीरे फंक्शनलेस हो जाती है या डिजनरेट हो जाती है, और बाद में इस लिम्फोसाइट का निर्माण हमारी जो बोन मैरोज होती हैं हड्डी के अंदर जो गूदा पाया जाता है, पल्प पाया जाता है वाइट कलर का, उसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। प्लस जो हमारी स्प्लीन है, प्लीहा या तिल्ली जिसको हम कहते हैं, उसमें भी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट वास्तव में ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका जो कि रोगाणुओं का या बाह्य कणिकाओं का भक्षण करके हमारी शरीर की सुरक्षा करती है। अगली जो ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस का हिस्सा होता है और डायनसेफेलॉन का हिस्सा, उसकी छत के ऊपर में जो पृष्ठ सतह होती है ब्रेन की या मस्तिष्क की, जो पृष्ठ सतह होती है उसमें वो हिस्सा जहाँ पर डायनसेफेलॉन पाया जाता है, उस हिस्से में ये पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। इससे भी दो हार्मोन निकलते हैं, एक है मेलेटोनिन और दूसरा है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, तो जो मेलेटोनिन है वो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन के विपरीत काम करता है। ये त्वचा के मेलेनो जो साइट सेल्स होती हैं या क्रोमेटोफोर सेल्स होती हैं उसमें रंगा कणिकाओं को या मेलेनिन ग्रैन्यूल्स को केंद्र के आसपास इकट्ठा कर देता है, जिससे कि त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। यदि हम धूप में जाएंगे तो हमारी त्वचा काली हो जाती है, क्योंकि मेलेनोसाइट सेल्स की जो रंगा कणिकाएँ होती हैं, मेलेनिन कणिकाएँ, वो पूरे शरीर कोशिकाओं में फैल करके अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी स्किन की सुरक्षा करती है, और ये उसके विपरीत काम करता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं। और सेरोटोनिन ये उपापचय से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के उपापचय से संबंधित, जो कि
विशेष करके प्रोटीन और अन्य पदार्थों के उपापचय में मदद करता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि हमारे शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है, थायमस ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स का क्या कार्य है। धन्यवाद।